Hey you everyone, welcome back to my channel. It's Arpita. I hope you all are doing well and I am vlogging today. So कभी कभी ना मुझे बहुत मन करता है कि मैं डेली बेसिस पे व्लॉगिंग करूँ. आज थोड़े बहुत प्लान है, यू नो, डेली बेसिस पे इतना ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग होता नहीं है कि मैं डेली बेसिस में व्लॉग बनाऊँ एंड आप लोगों को एंटरटेन करूँ, बिकॉज वी ऑल आर यू नो नॉर्मल ह्यूमन्स. लाइक यस, कभी कभी हम बस बेड में पड़े रहते हैं एंड कुछ भी नहीं करते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ करते हैं. सो गाइज, एज यू कैन सी, मैं थोड़ा बहुत रेडी हो गई हूँ. फेस में कुछ भी नहीं लगाया है, मेकअप एंड ऑल. बस थोड़ा सा हेयर ऐसे ऐसे कर दिया है सामने से एंड ये वाला ड्रेस मैंने पहन लिया है. ये वाला जो ड्रेस आप देख रहे हो, ये 2019 का बर्थडे ड्रेस है, ठीक है. सो ये एकदम परफेक्टली मुझे हो रहा है एंड मुझे लगा था कि मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ एंड नहीं होगा, लेकिन हो रहा है. आई फील सो गुड. चलो ठीक है, मोटी तो हो गई हूँ लेकिन ये ड्रेस मुझे हो रहा है इसलिए मैं खुश हूँ कि पुराने ड्रेस मुझे आ रहे हैं. सो यस, ये ड्रेस पहन के मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए हॉस्पिटल. उसके बाद हमें जाना है थोड़ा लाइक छोटे मोटे काम करने के लिए जो कि पेंडिंग रह जाता है. मेरे डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रही हूँ एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग जो जिसके बारे में मुझे बात करनी है उनसे. एंड मैं ना बाकी गूगल सर्च करने से ज़्यादा, दूसरों के सजेशंस लेने से ज़्यादा, न्यूट्रिशनिस्ट उनसे बात करने से पहले भी मुझे लगता है कि मुझे पहले डॉक्टर से बात करनी चाहिए, बिकॉज मुझे मेरे डॉक्टर के ऊपर पूरा भरोसा है जिनसे डिलीवरी हुआ था, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ. सी इज़ रियली गुड. तो उनके पास आज मैं जा रही हूँ एंड उसके साथ साथ मुझे अयांस को भी थोड़ा सा वैक्सीन वगैरह लगाना है, तो दोनों काम हो जाएगा एंड देन आई विल कम टू होम. देन मैं आप लोगों से बात करती हूँ बिकॉज बाद में और भी कुछ प्लानिंग है. दैट आई विल कट माई हेयर घर पे ही, मतलब थोड़ा सा ही चॉप कर लूंगी, पता नहीं क्यों बहुत ही मन कर रहा है. ओके, तो जो मैं हॉस्पिटल गई थी ना उसका रिपोर्ट मैं बोलूँगी अभी थोड़ी देर में, बताऊँगी आपको क्या हुआ है. सो यहाँ पे कैन यू सी द एरिया, तो यहाँ पे सिर्फ लैपटॉप हुआ करता था एंड दिस टेबल लैम्प. बट जब से मिस्टर मोहंती आए हैं ये पूरा कचरा बन चुका है, कचरा लिटरली. उनको जो भी मिलता है जहाँ पे भी कुछ भी सामान आता है, पर्स, ट्रिमर, कैन यू बिलीव दिस, वॉच, एवरीथिंग इज हियर. जो डॉक्टर है उन्होंने देखिए बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखा है दैट वेट लॉस. तो अयांस के लिए आया है न्यू टी शर्ट है, फ्लैग्स. तो फ्लैग्स वगैरह लेके उसको नीचे लेके जाते हैं, थोड़ा बहुत फोटोशूट करवाते हैं उसका. सो आज यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग यहाँ पे भी हुआ है लाइक कैंपस में. अरे वाह, अरे वाह. हेलो, तने कह दिलो जय हिंद. गाइस, सो अभी हम निकल रहे हैं बाहर जाने के लिए एंड मैंने ऑलरेडी ड्रेस वगैरह पहन लिया है एंड यू कैन सी आज हेयर स्ट्रेटनिंग हो गया है ऑफ कैमरा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बोर करती हूँ, बिकॉज हेयर स्ट्रेटनिंग में बहुत टाइम लगता है. सो इस बार मैं परमानेंट स्ट्रेटनिंग नहीं करवा रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं किया है, पता नहीं मूड कब क्या हो जाए, बट या अभी तक इससे ही चल रहा है. सो अभी फटाफट से मेकअप कर लेते हैं, बहुत ही लाइट मेकअप करेंगे. सो आई अप्लाइड सम प्राइमर सो द फेस जो है. सो आई एम ऑल सेट विथ माई मेकअप. मेरे जो हेयर है उनको मैंने थोड़ा सा कर्ल कर लिया है ऐसे नीचे से एंड आई एम वेयरिंग दिस क्रॉप स्वेट शर्ट. सो थोड़ा सा मैंने ऐसे हुप्स इयर रिंग्स जो है ऐड कर दिया है, ज़्यादा कुछ ज्वेलरी वगैरह नहीं. वी आर गोइंग टूडे, लेट्स गो.
वी आर हियर केएफसी पिज़्ज़ा हट, क्या खाएं। Here we go. केएफसी में खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं डोमिनोज बिकॉज ओके यू गाइस, सो बाहर से जाके आ चुकी हूँ। व्हाट आई रियलाइज्ड इसकी मतलब सच में लॉकडाउन में जो चल रहा था ना वो सही था। ऑनलाइन मंगाओ आराम से, जो पसंद नहीं आ रहा है रिटर्न करो, एक्सचेंज करो, व्हाट एवर यू वांट टू डू डू इट ऑनलाइन। लाइक जाके शॉपिंग करना मॉल से कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, लाइक सच में। मैं इतनी इरिटेट हो गई, दो चार बार मैं जा चुकी हूँ रिसेंटली, ब्लॉग भी बना रही हूँ, आप लोगों को पता होगा। हमेशा यही होता है, आके इतना सर दर्द करता है ना, क्योंकि पहले तो वहाँ पे जाओ एसी वगैरह कुछ नहीं चलता है मॉल में, अभी पैंडेमिक की वजह से गर्मी में इतना जाके वहाँ पे ट्राई करो। मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करती हूँ। तो जब मेरा जो ट्रिप कैंसिल हुआ था ना, बर्थडे ट्रिप, आप लोगों को पता होगा, तो बहुत लोग लाइक इंस्टाग्राम में पूछे थे, क्योंकि मैंने बताया था दैट आई विल गो, मेरे बर्थडे टाइम ट्रिप में जाने वाले हैं, प्लान किया है। सो बहुत लोग पूछे थे, आप नहीं गए, आप क्यों नहीं गए, व्हाई यू कैंसिल। आपको बताती हूँ कि एग्जैक्ट सिनेरियो क्या हुआ था। नवंबर लास्ट को हम लोगों ने टिकट कर लिया था, पूरा पैकेज वगैरह जो भी ए टू जेड जो भी चाहिए था, अकोमोडेशन एवरीथिंग, होटल वगैरह सब कुछ हम लोगों ने बुक कर लिया था, क्योंकि हम लोगों को फाइनलाइज था कि मेरे बर्थडे टाइम हम लोगों को जाना ही जाना है, बिकॉज वो आने वाले थे एंड हम लोग ट्रिप में जाने वाले थे, वो भी 13th of January से जाने वाले थे, जो कि मेरे बर्थडे जो है 17th January को था। मतलब इतना लॉन्ग ट्रिप था, लाइक 13th of January से 24th of January तक था ये जो ट्रिप था। तीन जगह में एक्चुअली जाने वाले थे, तो जो जगह में हम जाने वाले थे वो वाया दिल्ली होके जाने वाले थे। सो आप लोगों को पता होगा, जब स्टार्ट हुआ पैंडेमिक तो थर्ड वेव कितने जोर से स्टार्ट हुआ एंड सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही हो रहा था, केसेस बढ़ रहा था। तो दिसंबर लास्ट तक हम लोगों को थोड़ा बहुत पता चल रहा था कि हमारा ट्रिप जो है कैंसिल होने वाला है, लेकिन हम लोगों ने ना ही फ्लाइट टिकट कैंसिल करवाया था, ना ही हम लोगों ने पैकेज वगैरह कैंसिल कराया था, हम लोगों ने कुछ नहीं करवाया था। लास्ट मोमेंट तक हम लोगों ने वेट किया सो दैट अगर कुछ भी मिरेकल हो जाए एंड सब कुछ ठीक हो जाए सिचुएशन, तो हम निकल जाएंगे, फट से जाएंगे। लेकिन वन ऑफ माई फ्रेंड अमृता, आप लोगों को पता होगा, ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, सो वो भी सेम प्लेस में गई थी, वो भी वाया दिल्ली गई थी एंड वो मेरे जाने से 7 दिन पहले इसे गई थी। वो 1 तारीख को गई थी, 7 तारीख को आई, मैं 13 तारीख को जाने वाली थी। तो वो जब 7 तारीख को आई उसके बाद उसने टेस्ट करवाया, उसको तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, सो उसने टेस्ट करवाया तो उसका पॉजिटिव आया एंड जो ग्रुप पूरा गया था ना उनका सबका पॉजिटिव आया था, क्योंकि सबका सिम्टम्स आ रहा था तो उनको पता चल गया कि हो गया है सबको। देन आई वॉज सो स्केर्ड, तब मैं घर में बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मम्मी पापा सुने तो उनका बस यही था कि तेरा मन जो चाहता है तो वही कर, क्योंकि वो लोग कभी मुझे मना नहीं करते। अगर किसी चीज़ में मेरा मन है, अगर मुझे घूमने जाने का मन है, मुझे खाने का मन है या फिर कुछ भी करने का मन है, तो वो लोग कभी भी मना नहीं करेंगे। तो उन लोगों ने मना नहीं किया था, उन लोगों ने बोला जो भी तेरा मन है, जो करने का इच्छा है तो वही कर। सो लेकिन हम दोनों ने बात किया, मिश्र मोहंती और मैं, हम दोनों ने बहुत डिस्कशन किया इस बारे में, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अयांश, हम दोनों चले जाएंगे लेकिन अयांश भी तो हमारे साथ जाएगा और उसको हम इतने सारे लोगों में से कैसे बचा के रखें। एंड जब वो वहाँ से रिटर्न आएंगे, यहाँ पे मेरे मम्मी पापा भी है, पेरेंट्स है एंड उनका भी एज है, तो बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है जब आप इसे डिसीजंस लेते हो। देन जो टिकट्स वगैरह हम लोगों ने कैंसिल नहीं किया था, जब मैं अमृता की बात सुनी ना, फटाफट से वी वर लाइक नहीं भाई कैंसिल कर लेते हैं, चाहे जितने भी लॉस हो, चाहे जो भी हो, लेकिन
जिंदगी पहले है, फैमिली पहले है, सो हम लोगों ने टिकट कैंसिल कर लिया. एंड लेकिन जो पैकेज हम लोगों ने लिया था, लाइक होटल वगैरह जहाँ पे हम जाने वाले थे, दैट वॉज माई ड्रीम प्लेस. तो इसलिए मैं रिवील नहीं कर रही हूँ, बिकॉज यू नो हम फ्यूचर में वहीं पे जाने वाले हैं. सो फ्लाइट का टिकट वगैरह तो हम लोगों ने कैंसिल कर लिया था, लेकिन जो पैकेज हम लोगों ने लिया था तो उसको हमने कैंसिल अभी तक नहीं किया है, ना ही वो कैंसिल हो सकता है. तो उसको हमने डिले कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बताया दैट आप जो पैकेज है उसको कैंसिल नहीं कर सकते हो, हम पैसा रिफंड नहीं कर सकते हैं, आपको डिले करना पड़ेगा. सो वी शुड ओके, बिकॉज हम लोग को जाना ही था और जाना ही है. बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, एंड अभी सिर्फ जनवरी भी हुआ है, देखते हैं नेक्स्ट 2 to 3 months में अगर सही वक्त रहा, सब कुछ सही रहा, तो हम लोग जा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं. सो यही हो गया है, एंड मेरी बर्थडे का जो प्लान था इसी तरीके से फ्लॉप हुआ. लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इस बार का जो बर्थडे था वो बेस्ट रहा, बेस्ट बेस्ट बेस्ट. अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस बर्थडे व्लॉग देखा है ना, तो आप लोगों को पता होगा प्रीवियस वाला बर्थडे व्लॉग जो था ना प्रीवियस ईयर का, वो भी बहुत बढ़िया था, मैंने बहुत एंजॉय किया था, बेस्ट था. लेकिन क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं थे, तो वो कमी मुझे लगा, वो कमी कहीं ना कहीं मेरे पास रह गया. लेकिन इस बार मेरे पेरेंट्स भी मेरे पास थे, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे पास थे, एंड हस्बैंड भी थे, एंड सब थे, एक्चुअली सब थे. एंड आई फील लाइक कि फैमिली के साथ आप जो चीज़ एंजॉय कर सकते हो ना, आप किसी के साथ नहीं कर सकते हो, किसी के किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हो. गाइस इसी तरीके से मैं एंड करती हूँ आज की व्लॉग. मैं हमेशा मम्मी पापा के रूम में आके बैठ के ही वीडियो प्रॉपरली फिल्म कर पाती हूँ, क्योंकि यार बाकी सारे रूम में सब बातें करते रहते हैं. ओनली प्लेस जहां पे मैं वीडियो को फिल्म कर सकती हूँ. सो यहाँ पे एंड करते हैं आज का वीडियो. आई नो मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा बात कर लिया है, आप लोग पक गए होंगे, लेकिन आई एम सो सॉरी अबाउट इट. बट मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने में, एंड मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है मेरे लाइफ में जो भी चल रहा है आप लोगों के साथ शेयर करने में. दैट्स इट फॉर माय टुडेज वीडियो. आई होप कि आज का वीडियो जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, व्हिच इज कंप्लीटली फ्री. तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कंटेंट. टिल देन बाय.